फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बनाने वाला हूं मसाला ब्रोकली की रेसिपी। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट रेसिपीज में से एक है। ब्रोकली वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, इसको खाना बहुत ही अच्छा माना गया है हमारी हेल्थ के लिए। तो आप भी इस रेसिपी को घर पर ज़रूर बनाइएगा और इस रेसिपी को आप बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने एक दो ऐसे टिप्स बताए हैं जिससे ये मसाला ब्रोकली बहुत ही टेस्टी और न्यूट्रिशियस बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी बनाना बिना टाइम वेस्ट किए। ब्रोकली बनाने के लिए हम एक पैन में डाल रहे हैं लगभग 2 टेबलस्पून मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। इसमें हम डाल देते हैं लहसुन, जो मैंने लिया है 1 लहसुन की गांठ ली थी। 1.5 इंच मैंने अदरक लिया है, इसको भी मैंने रफली चॉप किया हुआ है, और 2 हरी मिर्च। और साथ ही इसमें डाल रहा हूं मैं रफली चॉप किए हुए 2 प्याज। इनको हमने सॉटे करना है हल्का सा पिंकिश होने तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हल्का सा पिंकिश कलर आ गया है हमारे मसाले में। अभी स्टेज पर हम गैस को कर देते हैं बंद और अपने मसाले को ठंडा होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि हमने इसको बाद में भी ग्राइंड करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने उस मसाले को ठंडा करके ऐसे दर दर ग्राइंड कर लिया है। अब हम अपने अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, इसको मैंने गैस पे रख दिया है। उस कढ़ाई में मैं डाल रहा हूं 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। साथ ही इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून मैंने लिया है जीरा, और 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रहा हूं हींग। हींग और जीरे के चटकते ही अब मैं इसमें डाल देता हूं सारा ग्राइंड किया हुआ मैं ये मसाला। तो अभी इस मसाले को हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा और सॉटे करेंगे, क्योंकि पहले मैंने इसको सिर्फ हल्का सा पिंकिश किया था और उसको ग्राइंड कर लिया था। अब मैं इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा और इसको सॉटे कर लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हल्के से गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है हमारा ये तड़का। अब इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रहा हूँ हल्दी 2 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर ये भी मैंने लिया है लगभग 1.5 टीस्पून, और 1 टेबलस्पून नमक। इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं सभी इंग्रेडिएंट्स को। और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ टमाटर की प्यूरी। टमाटर की प्यूरी मैंने ली है 3 टमाटर की प्यूरी। टमाटर की प्यूरी डाल के हम इसको फिर 1.5 से 2 मिनट पकाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, 2 मिनट हो गए हैं हमारे तड़के को पकते हुए। अभी स्टेज पर मैं इसमें डालूंगा मटर। मैंने लिए हैं हरे मटर, आप इसकी जगह पर फ्रोजन मटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप फ्रोजन मटर ले रहे हैं तो आपके मटर, क्योंकि फ्रोजन है तो ये बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन मैंने लिए हैं ग्रीन हरे मटर, ताजे मटर। तो इसको मैं लगभग 2 मिनट तक इन मटरों को थोड़ा ढक के पकाने वाला हूँ, क्योंकि इससे हमारे मटर हैं वो अच्छे से गल जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। फ्रेंड, लगभग 2 मिनट हो गए हैं हमारे मटर, मुझे लगता है सॉफ्ट हो चुके होंगे। तो अभी स्टेज पे मैं अपने डाल देता हूं इसमें ब्रोकली और आलू। ब्रोकली मैंने जो ली थी वो ली थी मैंने 700 ग्राम, आलू मैंने लिए हैं 300 ग्राम। अब इनको अच्छे से मैं एक बार अपने तड़के में मिक्स कर देता हूं। देखिए, अच्छे से हमारा तड़का हमारी ब्रोकली में मिक्स हो गया है। अब हम इस सब्जी को पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर, और बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे कि हमारी ब्रोकली और आलू अच्छी तरह से गल गए हैं, यानी कि सॉफ्ट हो गए हैं कि नहीं। और अब हम इस सब्जी को ढककर पकाएंगे। तो हमारी सब्जी को पकते हुए लगभग 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करते हैं सब्जी अपनी। बीच में मैंने एक बार पहले भी चेक किया था तो बीच में ये अभी कच्ची थी। तो 5 से 7 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया हमारी सब्जी तैयार हुई है। और ये देखिए, ब्रोकली भी हमारी पूरी तरह से गल गई है और आलू भी हमारे ये देखिए आराम से टूट रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी सब्जी बन के हो गई है तैयार। अब हम इसको सर्व करते हैं। और सर्व करने से पहले इसमें थोड़ा सा मैं और अपना फ्लेवर ऐड कर रहा हूँ, जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट है, कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डाल के बहुत ही अच्छा इसमें और फ्लेवर आ जाएगा हमारी
ब्रोकली में। तो फ्रेंड्स, ये था मसाला ब्रोकली बनाने का बहुत ही आसान तरीका। ब्रोकली खाने में बहुत ही हेल्दी होती है, तो आप इस रेसिपी को घर पे ट्राई कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपने इस तरीके से ब्रोकली बनाई कैसी बनी। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, साथ में दिए गए बेल के बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर अपना कोई नया वीडियो डालूँ उसका मैसेज और नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलरली आता रहे। मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, नियर्स एंड डियर्स और रिलेटिव्स के साथ, और हाँ, लाइक का बटन दबाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।